हेलो एंड वेलकम टू ऑल, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुजर बुक पर। हम इस श्रृंखला में डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्ज़ाम के लिए किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट्स का। तो इस पब्लिकेशन का सेट नंबर 20 आप सभी के सामने है, तो सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, मध्य प्रदेश स्थित प्रसिद्ध सांची स्तूप का निर्माण किसने किया? बिंबिसार, बिंदुसार, बृहद्रथ या अशोक? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो सांची का स्तूप है जो कि कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में, इसका निर्माण किसने किया था? अशोक ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? कुम्हारों का चाक, आग, लोहा या गेहूँ? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो हड़प्पा की सभ्यता थी उस वहाँ के जो लोग थे उनको किस चीज़ की जानकारी नहीं थी, लोहे की, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो लोहा था इसकी जानकारी हुई है वैदिक काल में, वैदिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर किसके संरक्षण में बड़ा हुआ? ऑप्शंस क्या हैं, हेमू, फैजी, अबुल फजल या बैरम खान? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो अकबर का संरक्षण किसने किया था, बैरम खान ने, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अकबर की आयु बहुत कम थी उस समय। अकबर का जन्म कब हुआ था, 1542 में, 1542, और जब इसका राज्याभिषेक हुआ था तो ये बहुत छोटा था, इसलिए इसका संरक्षण कौन कर रहा था, बैरम खान। अगला क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह, ऑप्शंस क्या है, ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह था, असंतुष्ट राजाओं और नवाबों का विद्रोह था, किसानों, बुनकरों और व्यापारियों का विद्रोह था या उपर्युक्त सभी? तो यहाँ पर अगर बात करते हैं कि इसका मेन फैक्ट क्या था कि क्यों हुआ था, तो ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह था। सबसे पहले क्या हुआ था, ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया था, तो ऑप्शन नंबर 1। अब यहाँ पर उपयुक्त सभी मत चूज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? मैसूर, मंगलौर, श्रीरंगपट्टनम, मद्रास? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था तो वो किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, मंगलौर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, और जो थर्ड वाला था उसमें कौन सी संधि हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की। नेक्स्ट, ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा है? प्रेमचंद्र, बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, सुब्रमण्यम भारती? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो नील दर्पण है किसने लिखा है, दीनबंधु मित्र ने, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, इसमें नील की खेती का वर्णन किया गया था, जो अंग्रेज करवाते थे उसी के बारे में दिया गया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यम मार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष हुआ था, 1907, 1908, 1909, 1910? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1907, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, और ये कहाँ हुआ था, सूरत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी? उराऊन, मुंडा, संथाल या कोंडा डोरा? तो एक ताना भगत आंदोलन हुआ था तो उसमें किस जनजाति के लोग शामिल थे, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उराऊन, ऑप्शन नंबर 1, जो उराऊन जनजाति अथवा उराव इसको बोलते थे, उराव जनजाति, इस जनजाति के लोग किसमें शामिल थे, ताना भगत आंदोलन, और जो कि कब हुआ था, 1914। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान या गुजरात? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, और कब हुआ था, 1869। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किससे की जाती है, माजनी, कैवूर, गैरिबाल्डी या बिस्मार्क? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना किससे की जाती है, इनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, किस क्षेत्र में लवणता अधिक होने की संभावना है, हिंद महासागर, लाल सागर, उत्तरी प्रशांत महासागर या उत्तरी अटलांटिक महासागर? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इन चारों में महासागरों में सबसे ज़्यादा लवणता कहाँ पर पाई जाती है, लाल सागर में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टुंड्रा प्रदेश का महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है मत्स्य उद्योग, पशुपालन, शिकार करना या कृषि?
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टुंड्रा में सबसे ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है, पशुपालन, यानी ऑप्शन नंबर टू करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कृषि की नहीं जा सकती। इसका टुंड्रा का मतलब क्या होता है, बंजर भूमि, ठीक है, या फिर जहाँ पर बर्फ ही जमी रहे तो वहाँ पर कृषि भी नहीं हो सकती है, मत्स्य उद्योग भी नहीं हो सकता है, शिकार भी नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पर क्या किया जाएगा, पशुपालन। अगला क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित कौन सी पर्वत श्रृंखला सर्वाधिक प्राचीन है, हिमालय, विंध्य, अरावली या सह्याद्री। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारत के विश्व की सबसे प्राचीन श्रृंखला कौन सी है, अरावली है, यानी कि ऑप्शन नंबर थ्री करेक्ट हो जाएगा, यह विश्व की भी सबसे प्राचीन है और किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, राजस्थान में, सबसे ज़्यादा राजस्थान में है, वैसे तो गुजरात से लगाकर दिल्ली तक है, गुजरात से लगाकर दिल्ली तक है, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन जो है कहाँ पर है, राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में सिमलीपाल बायो रिजर्व स्थित है, पंजाब, दिल्ली, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। तो जो सिमलीपाल है ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है उड़ीसा में, यानी ऑप्शन नंबर थ्री करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की कृष्ण क्रांति किस उत्पाद के विनिर्माण से संबंधित है, काठ कोयला, कच्चा पेट्रोलियम, हीरा या काला चना। तो जो कृष्ण क्रांति ही किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है कच्चे पेट्रोलियम से, यानी ऑप्शन नंबर टू करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और दो युद्धों के कारण प्रभावित हुई, प्रथम पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, पंचम पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना। तो देखो, दो युद्ध कब हुए थे, 1962 और 1965, ये भारत चाइना था चीन के साथ और ये पाकिस्तान के साथ। अब देखो, पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56, फिर 56 से कितनी हो जाएगी, 6 5 11 61, और फिर नेक्स्ट 61 से 66, यानी थर्ड पड़ेगी 61 से 66, ठीक है, 1951 से 1956, सेकेंड 1956 से 1961, थर्ड 1961 से 1966। तो ये दोनों युद्ध कब पड़ रहे हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर टू, ठीक है, ये डेट से याद रखनी है आप लोग को। अगला क्वेश्चन, बारहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, 1 जनवरी 2012 से 31 दिसंबर 2017, 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2016, 1 जनवरी 2011 से 31 दिसंबर 2016, 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017। तो यहाँ पर ये तो पता है कि 12 से 17 थी जो बारहवीं पंचवर्षीय की योजना है, योजना की अवधि क्या है, 12 से 17, लेकिन डेट पूछी गई तो 1 जनवरी से लेंगे या 1 अप्रैल से। तो ये जो योजना स्टार्ट होती थी हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होती थी, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट हो जाए यहाँ पर, 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017। अगला क्वेश्चन, अंत्योदय अन्न योजना AAY की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी, 2000 2002 2004 2006। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अंत्योदय अन्न योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी, वर्ष 2000 में। अगला क्वेश्चन, कराधान का सामर्थ्य सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था, एडम स्मिथ, एजवर्थ, जॉन रॉबिन्स या JS Mill। तो जो कराधान का सामर्थ्य सिद्धांत है किसने दिया था, एडम स्मिथ ने दिया था, और जो इनकी बुक है प्रसिद्ध वेल्थ ऑफ नेशन, इसी में इन्होंने बताया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ऑप्शंस 1930 1935 1951। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंपीरियल बैंक की स्थापना कब की गई थी, 1921, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर। बाद में इसी का नाम बदलकर 1955 में क्या कर दिया गया था, SBI। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि SBI का पुराना नाम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शंस काफी लंबे हैं इसके। देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा है, हम भारत के लोग इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे भारतवर्ष को प्रदान करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, हम संविधान सभा के सदस्य इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं। थर्ड क्या है, हम भारत के नागरिक इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं।
लास्ट क्या है, हम भारत के लोग अपनी संविधान में, अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं। तो जो प्रस्तावना में क्या लिखा गया था, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या बोला गया था, हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं और अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन, मूलभूत अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, उपर्युक्त सभी को सुनिश्चित करना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मूलभूत यानी मौलिक अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर समाज की बात तो DPSP में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 110, 111, 112, 113। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, धन विधेयक किस में बताया गया है, मनी बिल आर्टिकल नंबर 110 में, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 108 बहुत पूछा जाता है, इसमें क्या है, ज्वाइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के अंग हैं राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संसद के अंग क्या हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति की नियुक्ति की गई, अशोक मेहता, श्री राम मेहता, बलवंत राय मेहता, मनोहर लाल मेहता। तो अगर ये पता है कि 1977 में किस समिति का गठन किया गया था तो आप सीधे दे देंगे, आगे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं। तो 1977 में कौन सी समिति बनी थी, अशोक मेहता, किससे रिलेटेड थी, पंचायती राज के लिए। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियस के बाहर DNA कहाँ मिलता है, DNA जो है कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर भी किसी अंग में पाया जाता है तो उसका नाम बताना है। ऑप्शंस, गॉल्जी का, माइटोकांड्रिया, राइबोसोम या अंतःप्रद्रव्यी जालिका। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकांड्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। अगला क्वेश्चन, जब आँख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है, कार्निया, रक्तक पटल, इसको बोलते हैं कोराइड, या नेत्र श्लेष्मला जिसको बोलते हैं कंजाइक्टिवा, या दृढ़ पटल जिसको बोलते हैं स्क्लेरोटिक। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा नेत्र का अंग सूख जाता है, वो होता है श्लेष्मा, यानी नेत्र श्लेष्मला, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत आँख वैसे भी बहुत सेंसिटिव होती है, तो यहाँ पर जब धूल के गड़ जाते हैं तो यही क्या हो जाती है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है और रेड या पिंक हो जाती है। अगला क्वेश्चन, जब अमोनियम क्लोराइड को पानी में मिलाया जाता है, भंग किया जाता है, मतलब मिलाया जाता है, तो समाधान ठंडा हो जाता है, इस परिवर्तन को कहते हैं, एंडोथर्मिक, एक्जोथर्मिक, सुपर कूलिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठंडा हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो टेम्परेचर कम कब होता है, एंडोथर्मिक, जब वो उसमें क्या कर ले, अवशोषित कर ले, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, ये एक्जोथर्मिक जब उसमें बाहर निकले। नेक्स्ट, भारत में परमाणु ऊर्जा की दीर्घकालीन संभावना देश में किसके भंडारों पर निर्भर करती है, थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम या रेडियम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारत में पूछा गया, भारत में परमाणु ऊर्जा की दीर्घकालीन संभावना किस पर डिपेंड है, तो भारत में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है इनमें से, थोरियम, भारत में सबसे ज़्यादा थोरियम है, लेकिन अभी थोरियम से क्या है, परमाणु ऊर्जा बनाई नहीं जा रही है। ठीक, इस वजह से अभी भारत के पास परमाणु ऊर्जा की कमी है, लेकिन जिस दिन थोरियम से ऊर्जा बनने लगेगी तो उस दिन सबसे अग्रणी कौन हो जाएगा, भारत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति तक गामा किरणों के माध्यम से स्थानांतरित हुई ऊर्जा को किस इकाई से नापा जाता है, कैरीज, रदरफोर्ड, रांटगन, या सभी विकल्प सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गामा किरणों के माध्यम से जो ऊर्जा जाएगी उसको किस में नापेंगे, रांटगन, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सच शब्द का विलोम शब्द है, तो जो ऑप्शंस क्या है, झूठ, 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 झूठ या झूठ। तो यहाँ पर वर्तनी दे दिए हैं, सच का क्या होता है, झूठ, यानी ऑप्शन नंबर 3 में एकदम करेक्ट लिखा है। दामिनी का पर्यायवाची शब्द है नवनीत, चमक, ऊर्जा, बिजली। तो दामिनी किसको कहते हैं, दामिनी कहते हैं बिजली को। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। इसके और कौन से हैं, चंचला है, चपला है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। निश्चित समयावधि में होने वाला आदेश, अधिदेश, अध्यादेश, अधो आदेश या अध्य आदेश। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निश्चित समयावधि में होने वाला आदेश, अध्यादेश। जैसे भारत में लगता है अध्यादेश राष्ट्रपति पारित करते हैं किस आर्टिकल के तहत, 123 के तहत, ठीक है। तो वो एक निश्चित समय के लिए होता है कि उस समय के बाद वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विपद जाल में कौन सी संधि है? तो विपद जाल का संधि विच्छेद क्या होगा, विप प्लस जाल लिख सकते हो इसे। तो यहां पर कौन सी संधि आ जाएगी, व्यंजन संधि, ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, विपद प्लस जाल, विपद जाल, ठीक। दोनों तरीके, दोनों सही, एक ही ऑप्शन में मिलेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि आधुनिक, तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। अच्छा, वाक्य क्या है, आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है। तो ऑप्शंस क्या है, गुजर गई है जिंदगी मानसिक तनाव से आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर। तो देखो, आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर, ये सही है एकदम, जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है ये नहीं बोला जाएगा, गुजर रही है ये बोल सकते हैं, काल संबंधी त्रुटि है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, गुजर गई है नहीं बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है, पुणे, मदुरै, सांबा, गुरुग्राम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला सांबा बन गया है, और ये कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के लैंडस्केप गार्डन शिटियो बर्ल मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है? लैंडस्केप गार्डन है जिसका नाम क्या है, शिटियो बर्ल मार्क्स, किस देश में पड़ती है ये, इटली, ब्राज़ील, जर्मनी या डेनमार्क? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील, कहाँ पड़ता है ये, शिटियो बर्ल मार्क्स ब्राज़ील में। अगला, विश्व बैंक ने 2022 के लिए वैश्विक विकास अनुमान को 4.1% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है, कर दिया है 1.2%, 2.2%, 2.9%, 3.2%। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो विश्व बैंक ने वैश्विक विकास अनुमान था जो 4.1 था, इसको घटाकर कितना कर दिया है, 3.2, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसे नीति आयोग के उपाध्यक्ष के लिए चुना गया है, सुमन गेवेरी, रोहन शर्मा, अनुपम मोरे या राजीव भाटिया? तो इस समय जो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बनाए गए हैं कौन है, सुमन गेवेरी, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने बंगाल को हराकर संतोष ट्रॉफी जीता है, तेलंगाना, उड़ीसा, केरल, मध्य प्रदेश? काफ़ी सेट्स में क्वेश्चन मिल चुका है, तो संतोष ट्रॉफी इस बार किसने जीता है, ये केरल ने जीता है, ऑप्शन नंबर 3, और किसको हराया, पश्चिम बंगाल को। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में मोटे अनाज से संचालित देश का पहला एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? देखो, एथेनॉल पर इसमें बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तो हो सकता है एथेनॉल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बिहार, केरल, हरियाणा या उत्तर प्रदेश? तो ये कहाँ पर किया गया है, बिहार, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यूं सुक योल ने किस देश के 13वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, मालदीव, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया या सऊदी अरब? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यूं सुक योल ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ACI वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश रियल टाइम लेन देन में पहले स्थान पर पहुंच गया है, जो रियल टाइम होता है RTGS बोलते हैं इसे, इसके लेन देन में पहले नंबर पर, पाकिस्तान, जापान, श्रीलंका या भारत? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारत, भारत में इसमें डिजिटल बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है, तो मनी ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा ऑनलाइन होने लगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे लॉरियल स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है, मैक्स वर्सटैपन, राफेल नडाल, विराट कोहली या लियोनेल मेसी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैक्स वर्सटैपन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हो भी चुका है पिछले सेट्स में। तो ये किसको मिला है इस बार, मैक्स वर्सटैपन को, कौन सा अवार्ड, लॉरियल स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022, और ये फार्मूला 1 रेस के ड्राइवर हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 जीती है, मार्क शेल्बी, स्टीफन हेनरी, रानी ओसुल्लीवान या जूड ट्रंप? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 किसने जीती है, रोनी ओसुल्लीवान, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
मैसूर पेटा एक पारंपरिक पोशाक है जिसे कहाँ पर पहना जाता है? कमर, कलाई, कंधे, सिर, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जो मैसूर पेटा है ये कहाँ पर पहना जाता है? सिर पर पहना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ये एक पगड़ी के तरीके का होता है, ठीक है, और इसको बोलते क्या है? मैसूर पेटा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? सिक्का बंदरगाह, मुंदड़ा बंदरगाह, ओखा बंदरगाह और दीघी बंदरगाह। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात में स्थित कौन सा नहीं इसमें से? तो सिक्का गुजरात में है, मुंदड़ा भी गुजरात में है, ओखा भी गुजरात में है। दीघी बंदरगाह कहाँ पर है? महाराष्ट्र। अब ये लोकल बंदरगाह है, ये जब पढ़ा होगा तभी याद होंगे। ये कहाँ स्थित है? दीघी बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन, माहुरी एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है जो किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शंस केरल, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो माहुरी संगीत वाद्य यंत्र है किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत के 8 महत्वपूर्ण उद्योगों में सम्मिलित नहीं है? उर्वरक, इस्पात, कपास या प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 महत्वपूर्ण उद्योग हैं जो उसमें सम्मिलित नहीं है, तो ये कौन सा हो जाएगा? कपास। कपास उद्योग जो है अभी 8 महत्वपूर्ण उद्योगों में सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कितने सितंबर को मनाया जाता है? 8 सितंबर, 16 सितंबर, 12 सितंबर, 6 सितंबर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अभी हाल ही में निकला है ये, कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान अब जोहोर कप किस खेल का टूर्नामेंट है? बैडमिंटन का, क्रिकेट का, फुटबॉल का या हॉकी का? तो सुल्तान अब जोहोर ये किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी का, हॉकी में एक कप होता है, किस नाम से? सुल्तान अब जोहोर कप। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को भारत की टोकरी का लोकप्रिय नाम दिया गया है? पंजाब को, महाराष्ट्र को, असम को या उत्तर प्रदेश को? तो भारत की रोटी की टोकरी किस राज्य को दिया गया है? ये पंजाब को, क्योंकि यहाँ पर गेहूँ का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन, की शॉर्ट नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखे थे? बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, उपन्यास है ये, किसके द्वारा लिखा गया है? अमित चौधरी, सलमान रुश्दी, सुकुमार सेन, वेश नायपाल। और वो इंपॉर्टेंट राइटर भी, उनकी बुक्स अक्सर पूछ ली जाती है एग्जाम में, तो ये किसकी है? सलमान रुश्दी की, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। और इनकी एक बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, मिडनाइट चिल्ड्रंस, क्योंकि इसके लिए इनको मिला था बुकर पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य एक सामरिक कला मार्शल आर्ट का स्वरूप नहीं है? छऊ, लेजिम, भवई, कलारी पैट्टू। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भवई, ये मार्शल आर्ट का रूप नहीं है। बाकी जो छऊ है, लेजिम है, कलारी पैट्टू है, ये सब क्या है? एक प्रकार के मार्शल आर्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने से संबंधित है? ऑप्शंस IMF या IAIB, FATF या ADB। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता किसके द्वारा बनाई? FATF, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना कब की गई थी? बहुत पूछा जाता है, 1989 या 1989 में। स्थापना कब हुई? 1989 में। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फॉर्म हो जाएगा, और किसके लिए है? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने से। तो फ्रेंड्स, ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और यहीं पर जो हमारे किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट थे 20, वो कंप्लीट हो चुके हैं, यानी किरण पब्लिकेशन की आपकी पूरी बुक कंप्लीट हो चुकी है। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि इसकी एक कंपाइल्ड वीडियो दे दी जाए, तो आपको कंपाइल्ड वीडियो इसकी कंप्लीट 20 सेट की एक साथ मिल जाएगी, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि चाहिए या नहीं चाहिए। और इसकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। धन्यवाद।